नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मनोज पाल, आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। खुरई देहात थाना क्षेत्र के ढीमना गांव के पास सड़क किनारे कार के नीचे कांग्रेसी कार्यकर्ता 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह कुर्मी का शव मिला। देखने में सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रही, लेकिन परिजनों ने राजनीतिक द्वेष के चलते हत्या की आशंका जाहिर की। दरअसल मृतक कार से रात लगभग 10 से 11 के बीच खुरई से गांव लौट रहे थे, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे। सुबह उनका शव गांव से कुछ दूरी पर खुरई के रास्ते में सड़क किनारे स्वयं की कार के नीचे दबा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए बताया, सड़क दुर्घटना होती तो शव कार के ठीक नीचे कैसे आ जाता, कार के अंदर होना चाहिए। घटनास्थल पर दो कारों के पहियों के निशान होने की बात भी बताई जा रही है। शहरी और देहात थाना पुलिस ने पहुंचकर परिजन और ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम किया। सूचना मिलते ही कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा राजपूत, बीना प्रत्याशी निर्मला सप्रे सहित कई कांग्रेसी नेता पहुंचे। रक्षा राजपूत ने भी हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने FSL की टीम को बुलाया। फिलहाल पुलिस अभी भी कुछ भी बोलने से मना कर रही है। उनकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी गई है और उनके साथ ये अनाधिकृत जो भी कृत्य किया गया है, और बाकी तो नहीं बोल सकते हैं किसने क्या किया है, पर ये जानबूझकर किया गया है। गाड़ी पे आप देख सकते हैं, फुटप्रिंट मिल जाएंगे आपको, फिंगरप्रिंट मिलेंगे या जो भी हो। मैं ये चाहता हूँ, मेरा निवेदन है यहाँ के कर्मचारियों से और आप लोगों से, मीडिया प्रभारियों से, भैया मेरे चाचा जी को इंसाफ दिया जाए इस चीज़ के लिए। आज आप यहाँ पहुँची हैं, किस बात को लेकर आई हैं? हमारा जो भाई था, मतलब कांग्रेस से ही थे वो, और उन्होंने अभी बहुत काम भी किया पार्टी के लिए, एजेंट भी बने थे। पता चला कि उनके साथ ये घटना हो गई है, और ये एक्सीडेंटल केस लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने प्री प्लान करके उनके साथ ये घटना की हो और फिर ऐसा छोड़ के, मतलब पूरा प्री प्लान लग रहा है। और सुनने में भी आ रहा है कि बाजुई में एक रोड बन रहा है और वहाँ पर कुछ लोगों से इनका 3-4 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था, और आज वहाँ से जो रोड का काम लगा, सारे लोग वहाँ से भाग गए जी। तो पूरा प्री प्लान लग रहा है कि उन्हें मारा गया है। अभी FSL टीम से आपकी बात हुई क्या? अभी बात नहीं हुई है, लेकिन जो लोग हैं और उनका लड़का है और घटना स्थल पर जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने बताया है कि कार अगर पलटती भी है तो उसकी दूरी की, कार ऐसे सीधे पलटेगी या ऐसे खाई या ऐसे या ऐसे होगी। कार इतनी दूरी पे है कि मिट्टी भी वहाँ और कार उनके ऊपर मिली है और बॉडी मतलब नीचे थी। और एक ये भी हो रहा है कि पैर के ऊपर, जैसे ऐसे पैर होते हैं ना, इस टाइप के उनके पैर बता रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर कार के नीचे अगर आएगा एक्सीडेंट में, तो उसके तो पैर सीधे होंगे, ऐसे तो होंगे ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे रीजन है जो बता रहे हैं। आप आए इसके बाद क्या कार्यक्रम न्याय के लिए क्या करेंगे? अभी तो हम ये सोच रहे हैं ये जांच पूरी हो जाए और जो डॉक्टर टीम बनाई जाएगी, किसी एक डॉक्टर से नहीं, हम चाहते हैं कि जांच सही तरीके से हो और जो इनके साथ घटना हुई है वो निकल के आए। और SP सर से भी बात करें, कलेक्टर से, कि यहाँ आके मतलब इस घटना का पूरा वो करो और जो सही है, सही का न्याय होना चाहिए, जिसने गलत किया उसे सजा मिले। लगातार खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे KKR न्यूज़ चैनल से। देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद।